नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। पटना से ढाई गुना तक अधिक हुआ दरभंगा से दिल्ली और मुंबई का विमान किराया। मिथिलांचल को दशकों बाद विमान सेवा की सौगात मिली है, हालांकि यह सौगात लोगों के लिए महंगी साबित हो रही है। पटना एयरपोर्ट से जाने वाले यात्रियों को दरभंगा से होकर जाना महंगा पड़ रहा है। बिहार से बाहर से आए यात्री छठ और दिवाली के बाद घर वापस लौटने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में मिथिलांचल के लोग पटना न आकर दरभंगा एयरपोर्ट से जा रहे हैं, लेकिन उन्हें पटना के मुकाबले दरभंगा से ज्यादा किराया देना पड़ रहा है। छठ के बाद वापसी के लिए पटना की तुलना में दरभंगा से मुंबई और दिल्ली का हवाई किराया दो से ढाई गुना तक ऊंचा हो गया है। मंगलवार शाम 5 बजे, बुधवार और गुरुवार के लिए मुंबई रूट से पटना से हवाई किराया लगभग 5200 जबकि दरभंगा से लगभग 9600 चल रहा था। दिल्ली रूट में पटना से हवाई किराया लगभग 4500 रुपए और दरभंगा से लगभग 7500 रुपए से लेकर के 12000 के बीच चल रहा था। पटना से हवाई किराया लगभग 4500 रुपए और दरभंगा से लगभग 7500 से लेकर के 12000 के बीच चल रहा था। बीपीएससी की 65वीं मुख्य परीक्षा आज से हुई शुरू। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से 65वीं मुख्य परीक्षा आज से शुरू हो गई है। इस बाबत आयोग ने परीक्षा को लेकर कई निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत यह निर्देशित किया गया है कि उत्तर पुस्तिका में किसी प्रकार का निशान या धार्मिक चिन्ह नहीं देना है। इसके अलावा किसी प्रकार के धार्मिक शब्दों का प्रयोग नहीं करने की सलाह छात्रों को पहले ही दी जा चुकी है। आयोग की माने तो परीक्षार्थी कॉपियों में पैरवी कराने के लिए कॉपियों में पहचान के तौर पर कई चीजों का इस्तेमाल करते हैं। उत्तर पुस्तिका की जांच करने वाले को अपनी पहचान बताकर पैरवी कराने के लिए ऐसा किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बीपीएससी की 65वीं परीक्षा में 550 पदों के लिए परीक्षा में 6300 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसमें प्रशासनिक पदों पर वैकेंसी नहीं के बराबर है। सीबीआई ने लालू यादव के जमानत का किया विरोध। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है। जहां एक तरफ लालू यादव जल्द से जल्द बाहर आने की कोशिश में जुटे हैं, वहीं सीबीआई उनकी परेशानी बढ़ाने में लगा हुआ है, जिसके तहत राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत मामले में सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया है। इसमें सीबीआई ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाले के जिस मामले में जमानत की मांग की है, उस मामले में सीबीआई कोर्ट से उन्हें सजा की अवधि आधी भी पूरी उन्होंने नहीं की है। सीबीआई ने इस दौरान सीआरपीसी की धारा 427 का हवाला देते हुए कहा है कि दुमका कोषागर से अवैध निकासी मामले में जुड़े चार घोटाला में लालू प्रसाद यादव एक दिन भी सलाखों के पीछे नहीं रहे हैं। बिहार में लुढ़का पारा। जैसे जैसे नवंबर महीना खत्म हो रहा है, वैसे वैसे ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ठंड ने अभी से ही लोगों की परेशानी बढ़ाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में न्यूनतम तापमान के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। गया में मंगलवार को न्यूनतम तापमान बीते दिन की एक डिग्री और नीचे देखा गया, जिसके बाद गया का तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी पटना में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास बना हुआ रहा। हालांकि हवा के पैटर्न में मंगलवार को बदलाव हुआ है। उत्तर पश्चिम में हवा अब उत्तर पूर्वी हो गई है। इससे अगले 24 घंटे में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष पद पर मिली विजय सिन्हा को जीत। 17वें विधानसभा अध्यक्ष को लेकर एनडीए से विजय सिन्हा और महागठबंधन की तरफ से अवध बिहारी चौधरी एक दूसरे के आमने सामने थे, जिसके बाद अब एनडीए की तरफ से भाजपा उम्मीदवार विजय सिन्हा को शानदार जीत हासिल हुई है। मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के बाद हंगामे के बीच प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने परिणाम सुनाया, जिसमें एनडीए उम्मीदवार विजय सिन्हा के पक्ष में 126 वोट पड़े जबकि विरोध में 114 वोट पड़े। इस तरह विजय कुमार सिन्हा 17वें बिहार विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। हालांकि भाजपा ने राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का एक ऑडियो हाल ही में ट्वीट किया था, जिसमें भाजपा विधायक को फोन कर मतदान में शामिल नहीं होने की बात वो कर रहे हैं। बिहार विधान परिषद के सफल संचालन के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक। बीते दिन बिहार विधान परिषद के आगामी 196 सत्र के सफल और सुगम संचालन के लिए कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने अपनी अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक का आयोजन करवाया था। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, पूर्व मंत्री संजय कुमार झा और रामचंद्र पूर्वे, देवेश चंद्र ठाकुर, केदारनाथ पांडे, रीना यादव, संजीव श्याम सिंह, संतोष कुमार सिंह, प्रेमचंद्र मिश्र और आदित्य नारायण पांडे शामिल हुए। वहीं इस बैठक में आगामी सत्र के कुशल, सफल एवं सौहार्दपूर्ण संचालन के लिए उपस्थित सभी दलों के नेताओं द्वारा कार्यकारी सभापति श्री सिंह को सार्थक सहयोग एवं समर्थन देने की बात कही गई। जदयू नेता नीरज ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बावजूद बिहार की राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी क्रम में जदयू नेता नीरज कुमार ने अब एक बार फिर से तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि क्या कुर्सी के लिए बेटे को अपने बुजुर्ग पिता की ऐसी घिनौनी सियासत पर शर्म नहीं आती। अगर बेटे में थोड़ी सी भी नैतिकता है तो राजनीति से पहले अपने परिवार से इस्तीफा दे देना चाहिए। नीरज कुमार यही नहीं रुके, उन्होंने आगे यह भी कहा
कि अपने 420 पिता के निर्देशन में क्या अनैतिक सियासी साजिश रच रहे हैं। सियासी माफिया लालू प्रसाद के साथ और कितने गुंडों को एनडीए विधायकों के पीछे छोड़ा गया है। राजद ने सुशील मोदी पर साधा निशाना। सुशील मोदी ने हाल ही में एक नया खुलासा किया है कि रांची से लालू प्रसाद एनडीए के विधायकों को फोन कर रहे हैं। सियासी गलियारे में बहस और तेज हो गई है कि क्या ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन अब सुशील मोदी के दावे पर राजद के प्रवक्ता और तेजस्वी के करीबी माने जाने वाले विधायक शक्ति सिंह यादव ने सुशील मोदी पर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि सुशील मोदी अपनी डूबती राजनीति आभा से आहत है, भाजपा भाव नहीं दे रही है, इसीलिए लालू प्रसाद का नाम लेकर भाजपा में पैठ बनाना चाहते हैं ताकि राजनीति की वैतरणी पार लगा सके। अफवाह मियां के भंडुलपन से बिहार और पार्टियां अवगत है। मंत्री का पद ग्रहण करते ही सन ऑफ मल्लाह ने मछुआरों के लिए किया बड़ा ऐलान। मंत्री का पदभार ग्रहण करते ही वीआईपी प्रमुख मुकेश सहरी ने सभी मछुआरों के लिए बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत उन्होंने शपथ लेते ही स्पष्ट कर दिया है कि उनका पहला लक्ष्य पशुपालक एवं मत्स्य पालकों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाना होगा। उन्होंने कहा कि मेरे कार्य की शैली बिल्कुल स्पष्ट और लक्ष्योन्मुखी होगी। उन्होंने अपने विभाग के सभी निदेशालयों के निदेशक को यह निर्देश दिया है कि सभी अपने अपने विभाग का लघु अवधि एवं दीर्घ अवधि की प्लानिंग कर आगे का कार्य करें। इसके साथ ही उन्होंने कार्यभार संभालते ही 9 कामों को पूरा करने की बात कही है, जिसमें साल 2019-20 हेतु मछुआरों के लिए मछुआ आवास को पूरा करने समेत कई काम शामिल है। सरकार के पुनर्गठन के साथ ही गुड गवर्नेंस पर फोकस। बिहार में सरकार के पुनर्गठन के साथ ही सरकार अब पूरी सक्रियता के साथ काम कर रही है। इसी क्रम में अब सरकार ने गुड गवर्नेंस के साथ काम करने की पहल शुरू कर दी है, जिसके तहत आला अधिकारियों को हफ्ते में कम से कम 2 दिन फील्ड में रहने की सलाह दी गई है, जहां वो लोगों से मिलेंगे और साथ ही सभी आला अधिकारी लोगों से उनकी परेशानी जानने की कोशिश करेंगे। इसको लेकर मुख्य सचिव ने सभी प्रधान सचिवों और सचिवों को निर्देश जारी कर दिया है। यह सारी कवायद निचले स्तर तक फीडबैक लेने और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए की जा रही है। कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले अहमद पटेल ने दुनिया को कहा अलविदा। कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले अहमद पटेल ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। मिली जानकारी के अनुसार अहमद पटेल बीते एक महीने पहले कोविड-19 की चपेट में आ गए थे। तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें कुछ दिनों तक मेदांता में भर्ती करवाना पड़ा था। हालांकि मल्टी ऑर्गेन फेल्योर की वजह से उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। इसके बाद आज सुबह 3:30 बजे के लगभग उन्होंने आखिरी सांस ली है। उनके बेटे फैसल पटेल ने उनके गुजर जाने की जानकारी ट्वीट करके दी है। कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले अहमद पटेल के गुजर जाने से पार्टी में शोक की लहर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शोक जताया है। उन्होंने लिखा कि यह एक दुखद दिन है, अहमद पटेल कांग्रेस पार्टी के एक स्तंभ थे। राजद ने भाजपा के टीकाकरण के नाम पर राजनीति करने की कही बात। परिणाम भले ही आ गया हो, मगर बयानबाजी और राजनीति अभी भी जारी है। इसी क्रम में राजद ने हाल ही में सरकार और खासकर के भाजपा को निशाने पर लिया है, जिसके तहत राजद नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि बिहार चुनाव के दौरान भाजपा ने वादों का पिटारा खोला था। उसमें एक वादा कोरोना के इलाज के लिए बिहारियों को मुफ्त वैक्सीन देने का भी था, जिससे यह साफ पता चलता है कि कोरोना से डरी मानसिकता के शोषण का भाजपा की राजनीति के ओछापन का वह नायाब नमूना था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि देश में कोरोना की वैक्सीन को लेकर राजनीति हो रही है, लेकिन हमें नहीं पता कि उनका इशारा किसकी ओर था। कोरोना वैक्सीन के राजनीतिकरण की शुरुआत तो प्रधानमंत्री जी की पार्टी ने ही बिहार के चुनाव से की है। सुशील मोदी ने लालू यादव का ऑडियो क्लिप किया जारी। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हो गया है, जिसके तहत विजय सिन्हा को जीत मिली है। हालांकि चुनाव से ठीक पहले सुशील मोदी की तरफ से शेयर किए गए ऑडियो ने बवाल खड़ा कर दिया है। सुशील मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ऑडियो जारी किया है और इसमें उन्होंने दावा किया है कि लालू प्रसाद यादव ने जेल से भाजपा विधायक ललन पासवान को फोन किया और उन्हें मंत्री पद का लालच दिया। लालू प्रसाद यादव ने पासवान को राजद के साथ आने को कहा है और स्पीकर के चुनाव में अनुपस्थित होने को कहा है। टीम इंडिया की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर मौजूद टीम इंडिया की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसके बाद टीम प्रैक्टिस के लिए मैदान में उतर गई है। भारतीय क्रिकेट टीम ने रविवार से अपने पहले पूर्ण नेट सत्र में सफेद और लाल गेंद से एक साथ सभी खिलाड़ियों के साथ अभ्यास किया। शनिवार को पहले अभ्यास सत्र में खिलाड़ियों ने जिम और रनिंग सत्र में भाग लिया था, जिसके तहत भारत के 2 विशेषज्ञ स्लिप क्षेत्र रक्षकों विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा को लंबे समय तक लाल गेंद के साथ कैच अभ्यास करते हुए देखा गया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम के नए तेज गेंदबाज टी नटराजन नेट पर सफेद कुकाबुरा के साथ गेंदबाजी कर रहे थे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोरोना के माहौल में ऑनलाइन पढ़ाई में छात्रों को किन किन बातों में परेशानी होती है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।